पूर्वांचल की सीटों पर छठे और सातवें चरण में चुनाव है। बुधवार को सातवें चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया और 17 मई को नाम वापसी की तिथि पूरी होने के बाद गाजीपुर समेत पूर्वांचल की 8 सीटों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी कड़ी में वीरों की धरती गाजीपुर की सरजमी से भी सियासी तीर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती समेत कई दिग्गज नेताओं के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व प्रियंका गांधी भी मौजूदगी के संकेत मिल रहे हैं। 25 से 29 मई के बीच पूर्वांचल में सियासी घमासान के आसार बन रहे हैं। प्रचार के मामले में गाजीपुर में भाजपा फिलहाल अन्य दलों से आगे है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां का दौरा कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आदि बड़े नेताओं की सभा कराने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम 29 को तय है। वहीं बसपा प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह के पक्ष में पार्टी सुप्रीमो मायावती की भी जनसभा 28 मई को प्रस्तावित है। इससे पहले वो 19 को घोसी व 21 को जौनपुर में सभा करेंगी। गाजीपुर की सपा इकाई पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ ईडी गठबंधन के नेताओं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभा और रोड शो की तैयारी में जुट गई है। 25 से 29 के बीच ये नेता रैली और रोड शो कर गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाएंगे।